नमस्कार, मैं मंजू मीना, महिला कॉलर टेक्निक अजमेर से। आज का हमारा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप हमारा सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि एक डिवाइस होती है जिसमें हम सिंगल बिट स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक हमारी मेमोरी सेल है जिसमें हम वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और वन बिट हमारी क्या होगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? आइदर लॉजिक जीरो या लॉजिक वन। हम फ्लिप फ्लॉप को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक लैच है जिसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंट्रोल इनपुट होता है। वो कंट्रोल इनपुट क्या होता है? वो कंट्रोल इनपुट क्लॉक होता है, या हम उसे कह सकते हैं इनेबल इनपुट। फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में क्या होता है? लॉजिक गेट्स को यूज़ करके बनाया हुआ होता है और उससे हम मेमोरी क्रिएट करते हैं ताकि हम क्या स्टोर कर सकें? हम लोग सिंगल बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप की क्या एप्लीकेशन है? फ्लिप फ्लॉप कहाँ यूज़ आता है? फ्लिप फ्लॉप हमारा फीडबैक सर्किट में यूज़ आता है, मेमोरी सर्किट में यूज़ आता है, लॉजिक कंट्रोल डिवाइसेस में यूज़ आता है, काउंटर डिवाइसेस में यूज़ आता है और रजिस्टर डिवाइसेस में यूज़ आता है। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से होता है सेट और आर से होता है रीसेट। एस आर फ्लिप फ्लॉप हम लोग दो नॉर गेट या दो नैंड गेट यूज करके भी बना सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ गेटेड एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये हमारे नॉर गेट और नैंड गेट यूज करके एस आर फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम है। ये हमारा ग्राफिक सिंबल है एस आर फ्लिप फ्लॉप का। जो ट्राइंगल बना हुआ है वो क्लॉक है। जो S और R के बीच में हमारा जो छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है वो क्लॉक शो हो रही है। और आउटपुट क्या है? Q और Q बार। जो आउटपुट होता है एक्चुअल में वो होता है हमारी नेक्स्ट स्टेट, क्या हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो इसकी हमारी ट्रुथ टेबल है कि अगर क्लॉक जीरो है और S और R X है, X का मतलब कुछ भी क्या हो सकता है। चार ऑप्शन होते हैं, 00, 01, 10 और 11। यानी इनमें से कोई भी केस हो और क्लॉक जीरो हो तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी वो हमारी चेंज नहीं होगी, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। और क्लॉक वन हो जाता है, एस और आर जीरो हो जाते हैं, तब भी कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। थर्ड केस क्या है कि क्लॉक वन है, एस जीरो है और आर वन है। इस केस में हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी कि हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। क्लॉक वन है, एस वन है, आर जीरो है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा, यानी कि हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अगर क्लॉक भी वन है, एस भी वन है, आर भी वन है, तो हम कौन सी कंडीशन में पहुंच जाते हैं? इनवैलिड कंडीशन में। अब कैसे पहुंचते हैं, कैसे ये सेट और रीसेट हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम था। इसमें हमने फोर नैंड गेट यूज किए थे लेवल वन से लेवल टू पे। एक फर्स्ट नैंड गेट में एस जा रहा है, सेकंड नैंड गेट में आर जा रहा है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि क्लॉक भी जीरो है, एस भी जीरो है और आर भी जीरो है। हमने कहा था ना कि क्लॉक जीरो है, एस और आर कुछ भी हो सकता है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो क्लॉक जीरो है, एस भी जीरो है और आर भी जीरो है। नैंड टेबल ट्रुथ टेबल दिख रही है। एस और आर अगर जीरो होता है तो आउटपुट वन होता है, एस जीरो होता है, आर वन होता है तो आउटपुट वन होता है, एस वन होता है, आर जीरो होता है तब भी आउटपुट वन होता है। आउटपुट सिर्फ जीरो कब होता है? जब एस भी वन है और आर भी वन है। तब हम देखेंगे कि जब एस जीरो है, क्लॉक भी जीरो है, आर जीरो है, तो जो पहले वाला नैंड गेट है उसमें एस जीरो जा रहा है, क्लॉक जीरो जा रहा है, दोनों इनपुट जीरो है तो नैंड का आउटपुट क्या आ रहा है? वन आ रहा है। सेकेंड वाला जो है जिसमें आर इनपुट है वो भी जीरो जीरो है, आउटपुट आ रहा है वन, यानी कि हमारे फर्स्ट लेवल पे दोनों नैंड गेट का आउटपुट क्या आ रहा है? वन वन आ रहा है। सेकेंड पे क्या जा रहा है? सेकेंड पे फर्स्ट वाले नैंड गेट का आउटपुट जा रहा है। तो देखिए, ऊपर वाले गेट को देखें तो ऊपर एस वाले नैंड गेट का आउटपुट आ रहा था वन, तो एक इनपुट तो आ रहा है वन। दूसरा इनपुट क्या आ रहा है? दूसरा इनपुट आ रहा है हमारा क्यू बार। ये क्यू बार हमारी नेक्स्ट स्टेट नहीं है, ये क्यू बार हमारी प्रेजेंट स्टेट है। तो इस फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि जो हमने करंट इनपुट दिए हैं और जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, यानी कि जो हमने प्रेजेंट इनपुट दिए हैं वो हमारी प्रेजेंट स्टेट, इन दोनों से हमें मिलेगी हमारी नेक्स्ट स्टेट। तो हमने क्या दिया? हमने फर्स्ट वाले नैंड में दिया वन और क्यू बार, नीचे वाले पे दिया हमने वन और क्यू।
तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी। जैसे हमने सॉल्व किया कि क्यू एन हमारी क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, तो नैंड गेट अप्लाई किया तो नैंड गेट में इनपुट क्या थे, वन और क्यू बार, तो वन डॉट क्यू बार का बार सॉल्व करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, हमें क्यू ही मिली, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट है। सेम ऐसे ही हमने क्यू बार सॉल्व करी तो जो हमारी प्रेजेंट क्यू बार थी वही हमें नेक्स्ट क्यू बार मिली। बिल्कुल सॉल्व हमें दिख ही रहा है कि वन डॉट क्यू इनपुट था, उस पर बार लगाया, क्योंकि नैंड क्या होता है, ए डॉट बी का बार होता है। हमने इसको सॉल्व किया, बार टूटा तो वन पे बार प्लस क्यू पे बार आया, तो वन पे बार यानी वन का अपोजिट क्या हो गया, जीरो हो गया, और क्यू पे बार तो जीरो में हम कुछ भी ऐड करें तो वो ही आएगा, तो जीरो प्लस क्यू बार क्या आता है, क्यू बार। तो क्यू बार हमारी नेक्स्ट स्टेट हुई, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट है। सेम हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेट में, जब क्लॉक जीरो है, एस जीरो है और आर वन है, सेम दोनों फर्स्ट लेवल के जो नैंड गेट है उन दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। सेकेंड लेवल पे जो नैंड गेट है उनका आउटपुट हमने सॉल्व कर लिया है कि क्यू एन क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू एन बार क्या आ रहा है, क्यू बार आ रहा है, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट है, वो पूरा सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए। फिर ऑपरेशन क्या है, जब क्लॉक जीरो है, एस वन है, आर जीरो है, उस केस में भी हमारी नेक्स्ट स्टेट वही आएगी जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड केस है जब हमारा क्लॉक जीरो है, एस वन है और आर वन है, वही हमने देखा, हमने एक गेट का आउटपुट देखा, हमने देखा कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट थी। यानी अब तक हम फर्स्ट वाली कंडीशन में थे जब क्लॉक जीरो थी और एस और आर हमारे कुछ भी थे, कुछ भी मतलब जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, तो हमारे कोई चेंज नहीं हो रहा था। कोई चेंज मतलब जो हमारे प्रेजेंट स्टेट है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट डाली थी। अब हमारा नेक्स्ट केस है जब क्लॉक वन हुई और पहला केस हमने क्या लिया, एस और आर जीरो लिया, उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सेम चीज़ मिल रही है। देखिए फर्स्ट लेवल के नैंड गेट का आउटपुट वन वन आया, सेकेंड गेट का आउटपुट भी वही जैसा हमने प्रीवियसली सॉल्व किया बिल्कुल वैसे आया, तो हमें क्या मिली, हमें नेक्स्ट स्टेट भी वही मिली जो हमारी प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट केस है जब क्लॉक वन है, एस जीरो है और आर वन है। हमने ट्रुथ टेबल में देखा था कि जब क्लॉक वन थी, एस जीरो था और आर वन था, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया था, रीसेट हो गया था। कैसे हो गया था हम वो देखेंगे। देखिए हमने फर्स्ट लेवल के नैंड गेट पे एस जीरो दिया, क्लॉक वन दिया तो आउटपुट आया वन, नीचे आर वन दिया और क्लॉक वन दिया तो आउटपुट आया जीरो। ऊपर वाले नैंड गेट पे क्या जा रहा है इनपुट, एक तो पहले वाले गेट का वन आ रहा है और नीचे से आ रहा है क्यू बार। नीचे वाले नैंड गेट पे क्या आ रहा है, इधर से आर वाला जो नैंड गेट था उससे जीरो आ रहा है और ऊपर से क्यू आ रहा है। हमने इसको सॉल्व किया तो क्यू एन तो हमें क्या मिला, क्यू मिला, और क्यू एन बार अगर हम सॉल्व करते तो हमें क्या मिला, क्यू एन बार क्या मिला, वन मिला। अगर क्यू एन बार वन है तो ऑब्वियसली बात है कि क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर क्यू वन है तो क्यू बार क्या हो जाएगा, जीरो होता है। अब इसमें हमारा क्यू बार क्या निकला है, वन निकला है, तो ऑब्वियसली अगर क्यू बार वन होता है तो उसका ऑपोजिट क्यू की वैल्यू क्या हुई, जीरो हुई, यानी कि हमारी नेक्स्ट डेट हुई जीरो। तो इस केस में हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, डी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्लॉक वन है, एस वन है और आर जीरो, इसमें हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, यानी कि हमें जो नेक्स्ट डेट मिलेगी वो वन मिलेगी। अब कैसे मिलेगी वो हम देखेंगे। एस हमने वन दिया फर्स्ट लेवल नैंड गेट पे, एस वन दिया, क्लॉक वन दिया, नीचे आर पे एस क्लॉक वन दिया और आर जीरो दिया। आउटपुट देखेंगे तो एस वाले नैंड गेट का जीरो आ रहा है और आर वाले का वन आ रहा है। आगे वाले नैंड गेट पे इनपुट दे रहे हैं, ऊपर जा रहा है जीरो और नीचे से आ रहा है क्यू बार। सॉल्व किया तो क्यू एन आया हमारा वन, और नीचे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो हमारा क्यू बार क्या आ रहा है, क्यू बार ही आ रहा है। क्यू एन वन आया है तो क्यू एन बार क्या हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया है। अब हमारा है जब क्लॉक भी वन है, एस भी वन है और आर भी वन है। अगर हम देखते हैं हमने फर्स्ट लेवल के नान गेट पे एस भी वन दे दिया, क्लॉक भी वन दे दिया तो आउटपुट आया जीरो। सेम नीचे देख रहे हैं कि आर भी वन दिया, क्लॉक भी वन दिया तो आउटपुट आया जीरो। सेकेंड लेवल पे वो दोनों पहुंचे, ऊपर जीरो और नीचे से क्यू बार आया, सॉल्व किया तो क्यू एन आया हमारा वन। चलिए यहाँ तक ठीक है। दूसरे वाला नान गेट देखते हैं, उस पर भी जीरो था और क्यू था तो उसे सॉल्व किया तो हमें मिला वन। अब क्यू भी वन है और मतलब क्यू एन भी वन है और क्यू एन बार भी वन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक वन होगा और एक जीरो होगा। क्यू भी मतलब क्यू
एन बी वन और क्यू एन बार बी वन हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी, इनवैलिड कंडीशन होगी, ये इनवैलिड। तो ये हमने अब तक देखा केस वन ये था कि क्लॉक जीरो था, एस जीरो या वन कुछ भी हो, आर जीरो या वन कुछ भी हो, हमारा फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट स्टेट में रहेगा। केस टू क्या था, क्लॉक वन था, एस जीरो था, आर जीरो था, तब भी हमारा फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट स्टेट में था, यानी कि जो उसकी नेक्स्ट स्टेट थी वो क्या थी, हमारी प्रेजेंट स्टेट ही नेक्स्ट स्टेट थी। केस थ्री में क्लॉक वन था, क्लॉक वन थी, एस जीरो था और आर वन था, तब फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया था हमारा, रीसेट हो गया था, यानी कि जो हमारी क्यू एन थी वो क्या आई थी, जीरो आई थी, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया था, रीसेट हो गया था। केस फोर में क्लॉक वन थी, एस वन था, आर जीरो था, तो हमारे आउटपुट क्या आया था, क्यू एन का वन आया था, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया था, सेट हो गया था। केस फाइव में जब क्लॉक भी वन है, एस भी वन है, आर भी वन है, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप किस में चला गया था, इनडिटर्मिनेंट स्टेट में चला गया था, मतलब जिसका हम पता नहीं कर पा रहे थे, इनवैलिड स्टेट। अब हमारी वर्किंग ऐसा है, फ्लिप फ्लॉप के हम वेव फॉर्म से देख रहे हैं, ऊपर जो सी है वो क्लॉक है, एक एक क्लॉक, मतलब ये वन लिखा हुआ वो एक क्लॉक है, टू लिखा हुआ सेकेंड क्लॉक है, आगे थर्ड क्लॉक है। स्टार्टिंग में एस वन है और आर जीरो है, जब एस वन है और आर जीरो है तो हमारा आउटपुट क्या आया था, वन आया था, तो क्यू क्या हो गया, वन हो गया, क्यू बार क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर सेकेंड क्लॉक के लिए एस जीरो है और आर वन हो गया, दिख रहा है हमें, सेकेंड क्लॉक जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस समय एस जो है वो जीरो है, और जिस समय सेकेंड क्लॉक स्टार्ट हुई उस समय आर क्या है, वन। जब एस जीरो और आर वन है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाता है, रीसेट, यानी कि हमारा क्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, क्यू बार क्या आ जाता है, वन आ जाता है। जब थर्ड क्लॉक शुरू हुई उस समय एस जीरो था और आर भी जीरो था, जब एस भी जीरो होता है और आर भी जीरो होता है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप किस में रहता है, प्रेजेंट कंडीशन में, मतलब उसकी नेक्स्ट स्टेट वही होती है जो उसकी प्रेजेंट स्टेट होती है, प्रेजेंट स्टेट हमारी क्या थी, क्यू जीरो था और क्यू बार वन था, तो वही नेक्स्ट क्लॉक में रही हमारी कंडीशन, मतलब फ्लिप फ्लॉप उसी स्टेट में रहा। थैंक यू, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है।